बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर उनके दिल में क्या बात आ रही होगी जब पाकिस्तान की तरफ वो देखते हैं आज के इस टाइम के अंदर। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी पूछूंगा, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में एक अंडा भी टूट जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अमेरिका की साजिश, इसमें इंडिया की साजिश, इसमें इसराइल की साजिश, इसमें पता नहीं और किसी मुल्कों की साजिश कहते हैं। तो इसके अंदर क्या वाकई में मुल्कों की साजिश होती है या हमारी खुद की अपनी नाहली होती है? साजिश? अबे यार, साजिश करने के लिए भी एक अच्छा मुल्क होना चाहिए ना। अभी ऐसे देश पे साजिश कौन करेगा जहाँ लाले पड़े हुए, अकाल पड़ा हुआ है, भीख मांगने की नौबत आ गई है। ऐसे देश के लिए साजिश करने की जरूरत है तेरे को लगता है? वो भी अमेरिका भारत जैसे देश को साजिश करने की जरूरत क्या है जब तुम लोग खुद ही अपने देश का बंटाधार करने के लिए काफी हो? बोलो गाइस, इस बारे में मैं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करूंगा। पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है, किस वजह से कर रही है? गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के जानिब और उनकी राय लेते हैं। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुजम्मिल। बहुत जबरदस्त यार, मुझे लगा मुझे बुलाया, मेरा नाम भी मुजम्मिल है। तो करते क्या आप? मैं मैसों का स्टूडेंट हूँ। बहुत जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि आज टाइम के जो पाकिस्तान के सिचुएशन चल रहे हैं, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो बांग्लादेश आज के हमारे सिचुएशन देखकर क्या फील करता होगा, क्या बांग्लादेश के दिल में आती होगी बात? भाई वो लोग बहुत खुश है तुम लोगों से अलग होके। उनकी इकोनॉमी देखो, ग्रोथ रेट देखो। तुम लोग कहते थे ना 2% का देश है, 2% की औकात है। बंगालियों को तो तुम लोग अपने बराबर का ही नहीं समझते थे, अपने आप को तुम लोग तीस मार खान समझते थे। आज तुम लोगों की औकात 2% की नहीं रह गई, वो लोग तो बहुत आगे निकल गए बाबा, बहुत आगे। देखिए ये तो एक अजम्पशन पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन जो डेटा और फैक्ट्स देख के जो मुझे लगता है, अगर मैं बंगाली होता तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता। क्यों? क्योंकि ये शुक्र अदा करना मेरा बनता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उनके पास आज इस्टेब्लिशमेंट का यानी कि आर्मी का रोना नहीं है, ठीक है? इस तरह से वो आज आर्मी के गुलाम नहीं है। दे हैव अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अ सेकुलर स्टेट, दे आर बेटर देन अस, देयर एक्सपोर्ट्स आर बेटर देन अस। वो हर लिहाज से हमारे से आगे जा रहे हैं, तो उनको तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने आप का। उनको तो उस एक वाक्य का, ये 1971 की जंग का या शेख मुजीबुर रहमान साहब का तो मतलब मशकूर होना चाहिए कि हाँ वो हमारा हिस्सा नहीं है। और हमें भी खुशी है कि यार हमारे से दूर हो गए कोई अच्छा है। आपसे दो हमसे दूर होके हमारा पार था भाई, हमें तो दुख हुआ। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश तो टके के टका चलता है ना वहां पर, तो ये टके के लोग हैं तो ये 2 साल भी नहीं पूरे कर पाएंगे, 2 साल भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आज देखें कि वो दुनिया के एक डेवलप कंट्रीज में ऐसा आया। और एक और बात बताऊंगा आपको, पाकिस्तान ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने हमसे अलग करवाया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, इंडिया की साजिश नहीं है, ये जनरल अयूब खान की साजिश थी, ये जनरल टिका खान की साजिश थी, ये जनरल न्याजी की नाकामी थी, ये हमारी अपनी नाकामी थी, हमारे अपने प्रेजुडिसेस थे, हमारे अपनी बिजनेस थी, हमने उनको राइट्स नहीं दिए, ये इवन जिना की भी नाकामी थी, जिना की भी गलती थी। भाई ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, ये इनके सारे जनरल्स, इनके सैनिकों की नाकामी थी। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? इन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान पे इतनी बुरी तरीके से उन लोगों को डैमेज किया, उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, एक तरीके से कॉलोनी बना रखी थी बांग्लादेश को, क्योंकि ये लोग बंगालियों को अपने बराबर का नहीं समझते थे। तो जो जनरल नियाजी था और जो भी वहाँ के सियासतदान थे, वो लोग इसको एक कॉलोनी बना के चल रहे थे और उसको मानते थे कि ये हमारे लिए एक तरीके से स्टेट का काम करेगी। लेकिन भारत ने इसमें इंटरवेंशन किया, बांग्लादेश का साथ दिया और वहाँ की सेना को हराया। और कौन भूल सकता है 1971 की जंग की 93,000 पाकिस्तानी सैनिक अपने घुटने पर थे और नियाजी ने साइन भी किए थे हमारी सेना के सामने, उन लोगों ने पैंट भी उतारी थी, ये कौन भूल सकता है? तो भाई सही बोल रहा है, इन लोगों की साजिश थी, लेकिन साजिश करने वाले कहां तक जीतेंगे, यही हाल हुआ था। तो ये मतलब क्यों हम इंडिया को ब्लेम करें? व्हाई? दुश्मन से किस चीज का गिला हो सकता है? जब हम उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं तो दे कैन डू एनीथिंग। तो द फेलियर वाज आवर्स, हम नाकाम हुए, इंडिया नाकाम नहीं, वो तो उसका मसला नहीं था, उसने तो मौका देके चौका लगाया। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात होते हैं, हम ब्लेम अपने ऊपर लेने के बजाय हम कहते हैं कि इसमें इंडिया की साजिश, इसमें अमेरिका की साजिश, इसमें दूसरी किसी कंट्री की साजिश, हम ब्लेम कब अपने ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे? देखिए ब्लेम लेना ये हौसले का काम है। एक जो कम थिंकिंग बीइंग है वो हमेशा जो है कंस्पिरेसी थ्योरी पे जो है ना वो डिपेंड करता है, कंस्पिरेसी थ्योरी पे मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि उसको अपना आप उसमें ना सेफ जोन में महसूस होता है। कंस्पिरेसी थ्योरी में जब आप अपने तमाम किए धरे का किसी और को मुर्दे इल्जाम ठहरा दें और अपने आप को कहें कि मेरे हाथ साफ है, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ। जब जान लीजिए कि कोई और काम के लिए, किसी और आपकी अपनी गलतियों के लिए आप जब किसी और पे ब्लेम करने लगते हो ना, तो इससे समझ में आ जाता है कि आप एक नंबर के निकम्मे हो और आप जाहिल हो, आप कायर हो। इसलिए आप जो है अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरे पे ब्लेम करते हो। और पाकिस्तान आज से नहीं, ये जब पाकिस्तान बना पैदा हुआ ना 1947 से ही,
ये यही काम कर रहा है। आप हर जगह उठा के देख लीजिए, ये रोना रोते रहते हैं, किसी भी फोरम पे जाएंगे रोना रोएंगे कश्मीर का, जो कि इनको पता है कि वो बायलेटरल इशू है। इन लोगों ने ही ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान मिलकर इसका इलाज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं, हर जगह इनको रोना रहता है, हर जगह, चाहे जिस फोरम में जाएंगे, इसका प्रधानमंत्री, इस देश का जनरल भीख मांगने तो जाते हैं, साथ में कश्मीर का मुद्दा भी लेकर नाचते रहेंगे, जो कि इनको पता है कि भारत के बिना इनका कहीं नहीं चलना, लेकिन इनका रोना चलता रहेगा और ये लोग इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। और आज इनके हालत के, ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसके जिम्मेदार ये खुद ही हैं, और अभी भी ये लोग रोना ही रो रहे हैं और ये आगे तक ऐसे ही रोते रहेंगे। तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो अच्छा लगता है, तो लोग गो फॉर द पीपल विल ऑब्वियसली गो फॉर द कंस्पिरेसी थ्योरी, सूडो साइंसेस के पीछे वो जाएंगे, नॉट ऑन द रियल फैक्ट्स एंड द नंबर्स। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को कैसे समझते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे जानते हैं? या दे आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बिल्कुल सही। तो क्या हम ब्लेम्स और दूसरी चीजें करने के अलावा इंडिया के साथ बेटर रिश्ते नहीं कर सकते बराबर? भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो एक सादा सा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वेस्ट आपस में सदियों लड़ा है, हम तो अभी 75 साल से उनसे अलग हुए हैं, हमारा तो उनका मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अगर हम वेस्ट को देखें तो कहाँ ट्रिटी वेस्टफिलिया से भी लेके वो पीछे 1000 साल से वो आपस में लड़ते आ रहे हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स को देख लें, ट्रिटी वेस्टफिलिया देख लें, उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स देख लें, बाकी सारा हमारा तो इतना कोई मुद्दा भी नहीं, इतना कोई मसला नहीं है, हमारे उनके साथ बेहतर टाइज होने चाहिए। मसला ये है कि हमारे बेहतर टाइज ना होने की वजह से पाकिस्तान में एक तबके का फायदा है। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ये वो तबका है जिसे आप लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। क्या है ना कि उनकी रोजी रोटी ही इसी पे चल रही है कि वो भारत की बदनामी करते रहे, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहे। आप देखेंगे जब भी सियासतदान को लगता है कि हमारी पार्टी का बंटाधार होने वाला है या पार्टी जाने वाली है, तो कश्मीर मुद्दे को लेकर या भारत के किसी भी मुद्दे को लेकर थोड़ा सा आग बबूला होंगे, थोड़ी सी बात बोलेंगे ताकि जनता जो है इमोशनल होकर उनके साथ जुड़ जाए। बाकी उन्हें करना धरना कुछ नहीं है, वो अपने बैंक भर रहे हैं, विदेशों में कोठियां बना रहे हैं। आप लोगों का क्या है, वहीं पे जीना है, वहीं मरना है। आप लोग तो गंदम के लिए और अपने क्या है, दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होते रहिए। उनके बच्चे अच्छे खासे अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को जिहादी सोच पैदा करा करा के बस भारत के खिलाफ भड़काना है, कभी किसी और के खिलाफ भड़काना है। आप यही करते रहिए, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत तरक्की करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि भारत में इस तरीके की चीज चलती भी नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए सोचते भी नहीं है। ये जो मैं रिएक्शन वीडियो भी बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको काउंटर कर सकूं और आपको बता सकूं कि आप क्या सोच रखते हो भारत के लिए, और भारत ऐसा कुछ सोचता भी नहीं है। उनका एक तबके का फायदा हो रहा है, उनकी रोजी रोटी हमारे टैक्सी से लगी हुई है, तो दे विल नेवर एवर थिंक कि ये मसला हल हो जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। जी, उनका प्रोटेस्ट करना बनता था कि आप लोगों ने उनकी गंदम की जो खेप है उसको कम किया, ठीक है, आप लोगों ने उनको जो जगह थी उनकी फारिग जगह थी जो खुली पड़ी थी, आपने उन पर कब्जा करने की कोशिश की, आप उनको अपना सूबे का दर्जा नहीं देते, आप पे उन पे टैक्सेशन इतनी ज्यादा है, आप दूसरी तरफ उनकी जगहों पर कब्जा भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन पे उनकी जो गंदम की जो मिकदार थी, स्पेसिफिक मिकदार, आप उस पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, उसको भी कम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, और क्या करेंगे वो? बात सिर्फ यहीं तक नहीं है भाई, सिर्फ गंदम तक बात नहीं है कि उनकी गंदम की लिमिटेड कर दी गई है, वहाँ से जो है गंदम उठा के पंजाब सेक्टर्स को और कहीं दे दे रहे हैं और वो लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत लंबी बात है, जब से गिलगित बाल्टिस्तान को आपने कब्जा कर रखा है, जिसे हम लोग पीओके बोलते हैं, वहाँ पर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई तरक्की नहीं की, एक डैम तक नहीं बना सके, वहाँ हमेशा दिक्कत खड़ी रहती है, एक यूनिवर्सिटी नहीं, पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना मेडिकल सुविधा, ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं बनाया आपने इतने साल में, वहाँ के लोगों का सिर्फ आपने इस्तेमाल किया है, सिर्फ इस्तेमाल, एक रुपए की डेवलपमेंट नहीं की, हाँ बल्कि वहाँ के लोगों से आपने छीना है, वहाँ के लोगों को आपने मारा है, वहाँ के लोगों को आपने परेशान किया है, जो भी वहाँ पे ये सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलता है आप लोग उसे शांत कर देते हो, गायब कर देते हो, ना जाने कितने लोग गायब हो गए अब तक। बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वो भी हमारे कब्जे में नहीं है। बहरहाल ये है कि कब्जा किसी भी सूरत में बुरी चीज़ है, अच्छी नहीं है, आइदर वो इंडिया कश्मीर पे करे या हम गिलगित बल्तिस्तान पे करें, एक ही बात है। क्या बात कर रहे हैं यार, आइदर इंडिया, क्या इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा नहीं कर रखा है, वो हमारा ही पार्ट है, हमने वहाँ के राजा से साइन लिए थे एक्सेशन पे, जब कोई कागजात हमारे पास है, उस जमीन के कागजात हमारे पास है, उस स्टेट के कागजात हमारे पास है, तो इसे कब्जा नहीं कहेंगे, वो तो हमारा ही है, कब्जा आपने किया है, आपने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, पीओके हमारा हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे, आई बात समझ में? तो हमने भी कब्जे किए हुए हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। वेल, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। बिल्कुल सही। सो आने वाले हालात जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हैं हम, तो चीजें बहुत महंगी हो रही हैं। अगर आटे की कीमत देखो तो आटे के लिए यहाँ पर जंगे हो रही हैं, लोग कतारों में लग रहे हैं, लोग लाइनों में लग लग के मर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ये भूख है या फिर ये हमारी प्लान प्री प्लान है, किसी मुल्क की साजिश है, जो हम अक्सर कहते होते हैं कि भाई अमेरिका की साजिश है, इंडिया की साजिश है, कि हम डेवलप नहीं हो रहे, हमारे पास हालात खराब है, तो ये आप किसको देखते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, आप, मैं आपको बताया हूँ, मैं खुद मैस्कॉम का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का मुताला कर रहा हूँ, तो मैं कम अज कम ये एक थिंकिंग बींग ये नहीं कह सकता कि किसी मुल्क की जो है ना साजिश है, मैं तो नहीं ये मानता। भाई आपके पास है क्या, लोगों को आपको क्या चाहिए, इसराइल को आपसे क्या लेना है, अमेरिका का आपसे क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात है, कोई भी देश कभी भी किसी पर इन्वेजन या किसी चीज पर आक्रमण तब करेगा ना जब वहाँ पे कुछ मिलेगा। पाकिस्तान में है ही क्या, क्या एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान जो हमें, जो किसी देश के लिए फायदा पहुंचा सकता है, या वहाँ पे क्या ही होता है, अमेरिका को क्या लेना देना, भारत को क्या लेना देना पाकिस्तान से? पाकिस्तान एक भी चीज की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता हो, कोई इंडस्ट्री हो,
सुई से लेकर जहाज तक तो आप खरीदते हो, आपके ऊपर इन्वेजन करने की या किसी को आक्रमण या किसी को साजिश करने की जरूरत ही क्या है? एक भिखमंगे देश के लिए कोई क्यों सोचेगा, किसी के पास इतना टाइम कहाँ है, वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। उसने डॉलर दिए, आपने उनके लिए जंगे लड़ दी, हमने उनके लिए जाने भी दे दिए, अपने अड्डे भी दे दिए, सब कुछ दे दिए, उनके पास डॉलर है, वो हमें फिर से खरीद लेंगे। हम तो बल्कि वेट करना चाहिए, पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि एक आधा 9/11 हो जाए और हमें फिर से डॉलर मिल जाए, ये मामला है। तो मैं कभी भी नहीं ये सोचूंगा कि बुरेनू मुल्क की साजिश है। जाहिर बात है, अगर आप इंडिया के साथ फ्रंट पर हैं तो आप भी साजिश कर रहे हैं। मुंबई हमलों वाले मामले में नवाज शरीफ के बयान उठा के देख लें, और उसके अलावा देख लें कितने उड़ी वाले और बाकी, खैर हमने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, चूंकि दुश्मनी है तो खैर ये जस्टिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन इकोनॉमी के लिए ये सोचना कि भारत, बल्कि हमसाये की इकोनॉमी बेहतर हो तो उसको भी फायदा है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो इंडिया का भी उसको फायदा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी खराब हो? आप क्या समझते हैं कि हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों, कौन से पड़ोसियों के साथ ज्यादा बेटर है? किसके साथ बेटर बेटर नहीं है यार, चाइनीज कॉलोनी, इकोनॉमिक कॉलोनी, दैट्स इट। पाकिस्तान सही में एक चाइनीज कॉलोनी बन चुका है, आप देख रहे होंगे इतना ज्यादा कर्जा ले चुका है पाकिस्तान। चाइना जब चाहता है वहाँ पे कोई भी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी चीज बनाना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, उसे पाकिस्तान से पूछने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जाते हैं, चाटुकारिता करते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में ट्रेन के डब्बे पहुंचाए थे उन्होंने, ऐसे सड़े हुए डब्बे, इस तरीके से उसमें ब्रेक नहीं लग रहा है, प्रेशर नहीं बन रहा है, वो किसी काम के नहीं रहे, गरीबी में आटा गीला कर दिया चाइना वालों ने। और ये कुछ नहीं कर सकते, चाइना को कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि ये चाइनीज कॉलोनी है, सही बात है। और जहाँ तक बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की पड़ोसियों से, एक भी देश के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के अच्छे नहीं है, एक भी देश के साथ नहीं। चाहे ईरान उठा के देख लो, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, अफगानिस्तान चढ़ाई हुआ है सर पे, भारत से तो कभी इनका अच्छा हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप, क्योंकि ये तो भैया इस्लामिक राष्ट्र है ना, इन्हें तो हिंदू पचते नहीं है, तो कहाँ से अच्छे होंगे रिलेशन। तो ये कॉलोनी बन चुकी है एकदम, ये बात सही है। बाकी इनका डिफॉल्ट करना भी एकदम तय है, डिफॉल्ट कर जाएगा, ये कभी भी कर सकता है। आप अगर बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अगर आप बात करेंगे, चले हम बात कर लेते हैं दोस्तों की, अपने जो पड़ोसी हैं उनकी, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, उसके बाद बात करेंगे ईरान के साथ कैसे हैं, इंडिया के साथ तो खराब है ही है। चलो इंडिया के साथ समझ जाता है कि हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारी क्या लगती है, क्या क्यों नहीं बनती? देखिए, अफगानिस्तान से ताल्लुकात आपने किस वजह से कायम किए थे, मुझे ये बात बताएं कि जनरल फैज हमीद आज इसकी इस बात की आके हमें वजाहत दें कि आपने वहाँ पे जाके चाय पी और उसको ग्लोरीफाई किया, उसको फैंटेसाइज किया कि हमने अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका को हरा दिया पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने? अरे अमेरिका को नहीं हरा है, अमेरिका बहुत बड़ी चाल चलता है बेटा, अमेरिका नहीं हारता। अमेरिका ने तुम लोगों को बीच मझधार में छोड़कर चला गया है ताकि लड़ते रहो मरते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डूबेगा क्या डूबेगा, उसे तो पता है एक दिन सब खत्म होने वाला है, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान भी, उसे उसका क्या ही चला गया, वो तो अपने देश वापस चले गए वहाँ के फौज। और आप सोच रहे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, इंडिया ने जो बनाया वो अभी भी बना रहा है, वहाँ वहाँ के लोगों से हमारा दोस्ताना है और हम लोग करते रहेंगे। हाँ, हम तालिबान को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि उसे हम नहीं मानते सरकार के रूप में। आप लोगों के जो जनरल है उनसे पूछिए कि जो चीज़ वहाँ लागू होती है, जो तालिबान ने सरिया कानून लागू करने के लिए वहाँ के औरतों को इतना अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ के आम आवाम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में करवाएंगे क्या? टीटीपी है ना आपके यहाँ, तहरीक तालिबान, जब वो कहती है, जब वो लोगों को मार रही है और कहती है कि हम जो है पाकिस्तान में सरिया कानून लगाएंगे, तब क्यों हालत खराब हो जाती है, तब क्यों नहीं बात करते वो लोग, तभी कहते हैं हाँ ठीक है अफगानिस्तान में हो तो ठीक है, पाकिस्तान में हो तो ठीक नहीं है, अजीब बात है। अमेरिका की मदद से, व्हाट द हेक वाज दैट? आप एक आइडियोलॉजिकल स्टेट को एक जगह पे मार रहे हैं, वही उसका ही एक दूसरा सेक्शन आके पाकिस्तान में ये कह रहा है कि वही शरिया कानून जो कि अफगानिस्तान में नाफिज है वो हम यहाँ पे नाफिज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टेट में उससे मसला है। एक नजरिया एक रियासत में आपकी हदूद के बाहर ठीक है, आपकी अपनी रियासत में आ रहा है तो वो नजरिया गलत है, तो यानी कि आपकी अपनी पॉलिसी गलत थी ना, आपने वो क्यों चाय को फैंटेसाइज किया? आप जनरल फैज हमीद आके बताएं कि वो क्यों अफगानिस्तान की उस तरफ जा रहे थे, अगर आप एग्री कर चुके हैं तो आप उनको तस्लीम करें, अब यहाँ पे भी शरिया कानून नाफिज करें, यहाँ पे भी टीटीपी को दे दें हुकूमत, अगर यहाँ पे टीटीपी को हुकूमत नहीं दे सकते तो वहाँ पे तहरीक तालिबान आप किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? भाई यही तो पाकिस्तान का दुगलापन है, कहीं और हो तो अच्छा है, हमारे देश में हो तो बुरा है। भारत में दंगे करवाते हैं, भारत में आतंकवादी हमला करवाते हैं, अफगानिस्तान में आतंकवादी हमला करवाते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान को आप लोगों ने ही सपोर्ट किया था, वही तालिबान जब आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है तो आप लोगों को गलत लग रहा है क्यों भैया? दूसरे देश में इंसान नहीं रहते, उनकी अपनी लाइफ नहीं है, उनके लिए तो आप बहुत जश्न मना रहे थे, आप ही लोग थे ना बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे देखो इंडिया चला गया, अमेरिका चला गया, आप तो देखो तालिबान क्या करता है, अब जब आपके यहाँ आपके लोगों को मार के वो लोग शरीयत कानून लाना चाह रहे हैं, तब क्यों बुरा लग रहा है? आप लोग एकदम खुले दिल से उनका स्वागत कर लो, वैसे भी आपके इस्लाम में तो शरीयत का बहुत बड़ा नाम है, क्यों नहीं लागू कर देते? आपने उनको मुल्क तस्लीम नहीं किया, वहाँ पे लाखों लोगों की जाने 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 जो है वो खत्म हो सकती हैं, मतलब I don't think it's totally irrational and illogical. Why? I don't know. एक हमने तालिबान के बारे में चीज बनाई थी, एक अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, ये पता आपको? Yeah, I know. तो इसके बारे में क्या समझते हैं, तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं क्या? खैर तालिबान बुरे ही होते हैं, अच्छे तो मुझे तो कोई तालिबान अच्छा नहीं मिला, बहरहाल बात यह है कि
अच्छा बुरा डिफाइन किस तरह से किया जाता है। मैं किसी शख्स के किरदार के बारे में, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसका किरदार की असैसिनेशन करूं या उसके किरदार के बारे में कोई जजमेंट पास करूं। वो एक नज़रिए का नाम है, उसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट है। आप उससे लॉजिकली बैठ के इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके इम्पोज करने को बुरा कह सकते हैं। वही मैं बात जो पहले कह रहा था कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान क्या है, कि वो तालिबान जो अफगानिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो ठीक है, जो पाकिस्तान में दंगा कर रहे हैं वो गलत है। What's this nonsense? I don't know. ये तो गाइस मेरे साथ एक गिलगिती भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? इधर काम कर रहा हूं चाइनीज का। सही, तो मैं बात बेसिकली करने जा रहा हूं आपसे बांग्लादेश के ऊपर। सर बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था 1971 को। 1971 के अलग होने के बाद आज जब हम देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमारे जो हालात हैं वो इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की बात करूं, तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया पाकिस्तान से, तो वो अलग होकर अभी क्या सोच रहा होगा हमसे? बंगाली लोग यही सोच रहा होगा ना कि पाकिस्तान से अलग होकर हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ था तो पाकिस्तान की हालात इतना बुरा है। और स्पेशली जो हमारे एरिया गिलगित ना, उधर तो आपको पता है खालिस्तानी सरकार के नाम पर सरकार आके जमीनों पे कब्जा करते हैं, उधर भी धरना चल रहा है। हालांकि आपको पता है जो मुतनाज़ा इलाके हैं ना, उन पे हुकूमत हर चीज़ पे सब्सिडी दे के लोगों को रियायत देता है, यूएन चार्टर में भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आके उल्टा आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जीबी से लाखों डॉलर कमा रहे हैं सालाना, K2 साइज के ऊपर ना इतना फॉरनर आते हैं जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वहां पर लोग धरना दे रहे हैं, तो उस धरने को कैसे देखते हैं आपके, वो क्या क्या उस धरने का मकसद क्या है? सर वो कहते हैं कि इंडिया के से रिलेशन बेहतर करो, क्या वो समझते नहीं, क्या उनके दिल में ये तो नहीं आ रहे कि हमने आजादी लेके गलत कर दिया इंडिया से? नहीं नहीं, वो लोग यही कहते हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, जो 71 में हमारे 3 गाँव ले गए थे इंडिया ने, तो उनके बाप उधर रह गया बेटा इधर, माँ उधर रह गया बेटी इधर, तो वो कहता है जो करगिल का रोड खुले ना तो वो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे से मिल सके। भाई साहब ने अभी बोला कि 71 में भारतीय फौज ने इनके 3 गांव ले लिए थे। इनके नहीं भाई साहब, वो हमारे ही थे, पीओके में थे, और हमने जब वहां पे विजय हासिल की और हमारी सेना ने चढ़ाई कर दी थी तो हमारे हमने वहां से 3 गांव अपने ले लिए। अभी पाकिस्तान में कई लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो कोई जंग ही नहीं आ रही, तो ये चीज इनको बताओ भाई कि कैसे 3 गांव ले लिए, कैसे 93,000 लोग सरेंडर हो गए, कैसे बांग्लादेश अलग हो गया। उनसे पूछो कि अगर कोई जंग नहीं आ रही तो इतनी बुरी बुरी चीजें कैसे हो गई, कैसे अलग अलग हो गए, कैसे बैंड बज गई, पाकिस्तान का आज हालत कैसे हो गया भाई? सेना और तुम्हारी ISI तो बहुत तगड़ी है, विश्व में नंबर 1 है, फिर ये हालत कैसे है? इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। नहीं निकल सकता, फिर भी नहीं, आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। आपको पता है हमारी पाक आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हमने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। इंडिया निकल ही नहीं सकता हमारे यहाँ। चले एक मिसाल है कि वो निकल के आगे, तो अब हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसे आगे निकल सकते हैं? मिसाल भी क्यों माने, निकल ही नहीं सकता वो पाकिस्तान से, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। उनका मेन रिलेशन इंडिया से बेहतर करने का मतलब है, जो बहन भाई है आपस में जुदा हुआ है, एक बाप है उसका बाप पाकिस्तान में, बेटा इंडिया में। 1971 के जंग के बाद आप फोन पे बात होता है, वैसे नहीं मिला है। हाँ जी, तो मतलब कि मिलने नहीं दे रहे इसीलिए। वो कितने खानदान को इंडिया ने अपने कब्जे में लिया था 1971 में? 71 में बेसिकली तीन जो गाँव थे ना, 3 देहात इंडिया ने कब्जा कर लिया था, तो उसमें से 1-2 देहात के लोग आ गया इंडिया छोड़ के, एक उधर रह गया। बीच में जंगबंदी हो गया तो बॉर्डर लग गया, इंडिया ने इलाका वापस नहीं किया तो उन्हें कब्जा करते वो रख दिया ना, तो किसी की बहन किसी के भाई उधर इस तरह सीन हो गया, तो वो कहते हैं कि करगिल रोड खुल जाए तो ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। यही है, बिल्कुल सही। जिस तरह से अब हम देखते हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं, कश्मीर का मामला देखें, हम गिलगित बल्तिस्तान का देखें, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अभी गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है? जो सब्सिडी मांग रहे हैं गवर्नमेंट, वो दे देना चाहिए अब आवाम को कि नहीं? हाँ वो तो देना चाहिए, लेकिन वो अपनी सब्सिडी के बारे में सोच रहे हैं ना, हुकूमत अपने लिए क्या शेबा शरीफ सोच रहे हैं कि मेरे केसेस किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग वाला खत्म हो जाए, बाकी वो पीपल्स पार्टी वाला अपना केस के पीछे पड़ा, उनको गिलगित और कश्मीर का क्या फिक्र है, उन तो अपने बैंक बैलेंस के पीछे आया हुआ है। आप एक गिलगित बल्तिस्तानी होते हुए, आप गिलगित से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या पर्सनली क्या समझते हो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेटर होने चाहिए या नहीं? यार देखो हमारे उधर भी मिसाल है ना, जो आपके दूर के रिश्तेदार से करीब का दुश्मन बेहतर है ना, तो हाँ अगर हम चाहिए कि अच्छा रिलेशन रहे, लेकिन अगर वो हमें उंगली दिखाते तो हमें भी दिखाना चाहिए। लेकिन अभी इस मामले में ना, हमारे गिलगित वाले में तो बहुत सीरियस मामले, मैंने आपको बोला ना यही खानदान जुदा हुआ है 30 सालों से, अगर आप हम एक साल अगर अपने बेटे से नहीं मिले तो कितना दुख होता है, अभी 50 साल हो गया एक दूसरे से नहीं मिला, तो ये दुख की बात हुई ना आवाम के लिए, तो हम पूरा जीपी अभी
देखो अगर एक बंदे का मसला होता तो नहीं था, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक हुआ है। हुकूमत को सोचना चाहिए, वफाकी हुकूमत को। बाकी अब हमारे गंदम की सब्सिडी कम करके वो बेच रहे आगे, बहुत सीरियस इशू चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी मजाक ले रहा है, लेकिन ये इनके गले की हड्डी पड़ेगा। हम गले की हड्डी बनेगा नहीं भाई साहब, गले की हड्डी बन चुकी है। रोज धरने हो रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देखिए रोज वहाँ पे परेशानी हो रही है, रोज क्रिएट हो रहा है। और मैं बता दूँ, पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होंगे, और एक नहीं होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। पाकिस्तान में आवाम ना एक है ना रहेगी। और पाकिस्तान के लिए सोचता कौन है? पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए सोचते हैं। किसी भी पाकिस्तानी से उठा के देख लो, वो पहली लाइन ही शुरू करेगा बीइंग अ मुस्लिम। वो बीइंग अ पाकिस्तानी कभी बात नहीं करते। तो वो लोग एकदम फंस चुके हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पूरी तरीके से त्रस्त आ चुके हैं पाकिस्तान से। गले की हड्डी बनेगी, भले गले की हड्डी बन जाएगा ये जी हुकूमत के लिए ना, वफाक की। वो जीबी में पीटीआई गए तो वो सिर्फ जिद की वजह से नहीं दे रहे, बाकी कुछ नहीं है। जिद वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, तो हम वफाक से कुछ नहीं देंगे। बजट में भी पैसा नहीं दिया जीबी वालों को। जी तो गाइस, मेरे साथ कुछ गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए भाई मौजूद है, तो हम पूछते हैं कि हम खुद तो नहीं जा पाए गिलगित, लेकिन जो आए हुए इनसे पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और जो हमें मीडिया जो कि हमारी मीडिया कवर नहीं कर रही कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद आकिब। बहुत जबरदस्त, कैसे आना हुआ लाहौर में आज? जी मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस का स्टूडेंट हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ, मेरा पांचवा सेमेस्टर है। आप भी गिलगित बल्तिस्तान से? जी जी गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान आप भी? जी जी गिलगित बल्तिस्तान। नाम आपका? मोहम्मद आरिफ तोकीर अहमद। बहुत जबरदस्त। तो बात करने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि अलग होने के बाद 1971 में अभी जब वो पाकिस्तान के हालात देखता है तो बांग्लादेश क्या फील करता होगा पाकिस्तान को देखकर? जी ये 1971 में बदकिस्मती से बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, कुछ वजूहत की बिना पे ना। उसके बाद से ये हुआ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना आज 1947 के बाद से ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, आर्मी का काफ़ी रोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हुई। उसकी वजह से आप तरक्की वगैरह में ना काफ़ी रुकावटें वगैरह हुई। बांग्लादेश जबकि हमारे हमसे 1971 में अलग हुआ बदकिस्मती से, लेकिन उन्होंने प्रोग्रेस किया वहाँ पे, जो उनकी लीडरशिप है पॉलिटिकल लीडरशिप, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, आर्मी का कोई रोल वगैरह अमल दखल नहीं हुआ। बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अब देखा जाए तो पाकिस्तान में अब तो कोई चार मार्शल लग चुके हैं, आर्मी वाले आए उन्हें अपने हिसाब से चलाए हुए। एक मार्शल लगने से जो मुल्क होता है वो पीछे चला जाता है, कम हो गए 30-40 साल पीछे चला। इसी तरह बार बार हमारे यहाँ आर्मी का मुदाखलत हुई, प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया अपनी सीट से, इसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। आज आप देखें तो बांग्लादेश के जो करेंसी है वो पाकिस्तान से बहुत आगे। इवन सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई वो टके के लोग हैं, वहाँ पर बांग्लादेश में टका चलता है ना, तो वो टके के लोग हैं तो दो साल भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा डेवलप कर ली, उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से ज्यादा है भाई, सिर्फ फॉरेन रिजर्व ही ज्यादा नहीं है, उनकी ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, उनकी ग्रोथ रेट तो भारत से भी ज्यादा है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने झेल लिया जो झेलना था, अब वो लोग समझ गए हैं कि इन सब चीज़ों में कोई चीज कोई बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो लोग समझ गए हैं कि विकास करने पे ही फायदा है, तो वो लोग अपने सही राह पे पकड़े हुए हैं और वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि मजा भी सोच ले कि हर जगह फोरम पे जाकर नाचना गाना लगा हुआ है, इस तरीके से काम नहीं करते बांग्लादेश के लोग। बांग्लादेश के लोग बहुत आगे निकलेंगे और वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं, वो लोग अपने देश के लिए सोचते हैं। उनके अगर देखते हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान से ज्यादा है, तो वो जब देखते हैं तो क्या फील करते होंगे इस टाइम पाकिस्तान के हालात देखकर? आप टके के लोग कह रहे हैं, असल में अब आप खुद देख सकते हैं कि दो टके के लोग कौन है। अगर वो दो टके के होते तो आज वो हमसे आगे ना होते। एशिया में आप देख रहे हैं बांग्लादेश इवन इंडिया से भी आगे जा रहा है इस वक्त। उनकी इकोनॉमी आप देखें, पाकिस्तान के पास रिजर्व ही नहीं है, IMF पे हम चल रहे हैं बदकिस्मती से। हमारी आप देखें बांग्लादेश की तरफ, वो प्रोग्रेस कर रहा है। उनकी आप GDP देखें वहाँ पे, उनके पर कैपिटा और उनके जो इकोनॉमी है और उनकी करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है। वो आज यही सोच रहे होंगे कि हम, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना पड़ेगा कि हम 1971 में अलग हो के अच्छा हुआ हमारे साथ, वरना आज अगर आज साथ होते तो हमारा भी हाल यही होता। आप देख रहे हैं एक जो बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी 1.5 लाख का मकरूज है, उसने अदा करना है, ये हमारा हाल है पाकिस्तान का। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेश के अलग होने में इंडिया की साजिश थी, अमेरिका की साजिश थी, या फिर बहुत सारे मुल्कों की साजिश थी। क्या समझते हैं आपकी साजिश थी किसी की, या फिर हमारी खुद की नाहली थी, हमारी खुद की गलतियां थी कि जो कि बांग्लादेश हमारा जो हिस्सा था वो हमसे अलग हुआ? इसकी बहुत सी वजूहत हैं, ये हमारी नाहली भी है लेकिन बाहर की भी है मुदाखलत। इंडिया ने खुद, आपको पता है इंडिया की आर्मी खुद वहाँ पे लड़ी है बांग्लादेश के साथ,
वो एक तो हमारी आर्मी की वजह से ना वीक थोड़े हुए, इंडिया का पर्सनली इंडिया ने वहाँ पे वो किया और बाहर के ममालिक की मुदाखलत रही है, जरूर रही, लेकिन हमारे भी इसमें कोताही वगैरह है। जैसा कि उनके बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान आप था पता था, शेख मुजीबुर्रहमान उधर और इधर हमारे भुट्टो, तो असल शुरू तो वजह यह बनी कि इलेक्शन में आपको पता है शेख मुजीबुर्रहमान ने जीते सीट ज्यादा और इधर मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो ने, भुट्टो का ये था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, शेख मुजीब का ये था कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, तो उन्होंने शेख नुकात भी पेश किया अपना और बंगाल ये चाहते थे बांग्लादेशी की करेंसी भी उनकी हो और कौमी जबान भी, वो ये डिमांड कर रहे थे। तो हमारा ये हुआ कि पॉलिटिकल उनकी वजह से नहीं बनी आपस में, इस वजह से बाहर के जो ममालिक है खासकर इंडिया को एक बहाना मिल गया कि मुदाखलत करना और उन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, भारत को मौका मिल गया। अरे आप लोगों ने कितना अत्याचार किया बांग्लादेश पे, आप लोग उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते थे, आप लोग उस पर इतना दबाव बना रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान जीते थे लेकिन आपके यहाँ वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन लोगों को लगा कि एक बांग्लादेश से, एक ईस्ट पाकिस्तान से कैसे यहाँ का पूरा पीएम बन जाएगा और वो कैसे संभालेगा, वो कैसे पाकिस्तान का रहमोकरम बन सकता है, पीएम बन सकता है, तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपने जंग छेड़ दी, आपने ढूंढ ढूंढ के वहाँ के लोगों को मारा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। भारत ने बांग्लादेश की मदद की, वहाँ के लोगों को बचाने में मदद की, इतिहास पढ़िए। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश अभी देखिए कि एक पार्ट है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान, आपको लगता है कि शुरू से ही हमारे पास वो पावर थी क्या, हम शुरू से ही मतलब कि पॉलिटिक्स में अपने मुल्क को सही चला रहे थे शुरू से? आप देखें ना, पाकिस्तान आजाद होने के बाद पहले कायद आजम, फिर लियाकत अली खान जो कि हमारे वजीर आजम थे, उसको कैसे शहीद किया गया, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म आता है जो पाकिस्तान का सोचता है तो वो बाहर के ममालिक जो मुखालिफ हैं अमेरिका या दूसरे ममालिक, वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसको डिस्टेबलाइज करें, तो उसके लिए वो बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। आप शुरू से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आपने कहा इंडिया की साजिश है, तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब आप मतलब कि आप इतने शार्प होते हैं कि आपको पता होता है कि मेरे उस एरिया में क्या चल रहा है, उस घर में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, आप एक मोहल्ले में रहते हैं तब भी आपको एक एक घर की खबर होती है। तो हम एक मुल्क चला रहे थे भाई, हमें इतनी आगाही भी नहीं थी कि बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी खुद की नाअहली थी, हमारी खुद की मिसमैनेजमेंट थी, आप नहीं इस बात को नहीं समझते? जी मैं जरूर समझता हूँ, इसमें हमारी भी मिसमैनेजमेंट है, आप ज्यादा है। आप ये मौका देंगे तो भाई अगले बंदे ने तो वार करना ही करना आप पे, आप डिनाई नहीं कर सकते। एक मगरबी पाकिस्तान जो पूरा एक बड़ा वो है पार्ट है बंगाल, उसको आप कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं? वहाँ पे एक पॉलिटिकल पूरी वो है, उनके जो लीडरशिप शेख मुजीबुर्रहमान पूरी एक वो वोट अवामी वोट से आया था, 100+ उसकी सीटें थी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं आपकी जगह मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ? तो ये तो होना ही था, उन्होंने अपने जो उसकी आवाम है उसके साथ खड़े हो गए और दूसरे भारत को उनको मौका मिला और पाकिस्तान को उन्होंने दो लख दिया। बिल्कुल सही। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान का मीडिया कवर बिल्कुल नहीं कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान का मैं जरूरी मेंशन करना चाहूंगा, आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में -10-15 सेंटीग्रेड में लोग एहतजाज कर रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ, वो क्यों कर रहे हैं? ये शुरू से 1947 से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे आबा और अजदाद ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की, उसके बाद बिला मशरूत पाकिस्तान के साथ उन्होंने इलाक किया, ठीक है, इलाक करने के बाद आज तक आप देखें 70 साल से ज़्यादा गुजर चुके, पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी शिनाख्त नहीं दी, उसके साथ हुकूक भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं। अभी आप देखें गिलगित बल्तिस्तान, आप देखें तो वो एक मुतनाज़ इलाका है, UN के रेजोल्यूशन हैं इसके, अब मुतनाज़े इलाका में आप टैक्सेस वगैरह नहीं ले सकते। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वक्त इसलिए एहतजाज पे हैं, वहाँ पे गंदम सब्सिडी होती है वो ख़त्म की हुई है, लैंड रिफॉर्म से असम्बली का बिल पास हुआ है, वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं लोगों पे, उसकी वजह से, और गंदम का शॉर्टेज आजकल बहुत ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, इसकी वजह से लोग 10 दिनों से वो एहतजाज पे हैं, 10 से भी ज़्यादा, 2 हफ्ते हो गए। अवाम हुकूमत इस पे कोई सीरियस नहीं ले रही। दूसरे में मीडिया का आपने बात किया, तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो नेशनल मीडिया है यहाँ पंजाब में, लाहौर में, सिंध में या पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई भी होता है कुछ भी कोई चीज़, कोई एक डांस मशहूर हो गया रिसेंटली, वो कवरेज दे दे उन्होंने पूरे मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, लेकिन हमारे GB में वो क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ी नाहेली है। सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स, आजकल सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिखा रहे हैं, इश्यूज नहीं दिखा रहे, पूरा एक सूबा है GB का सूबा, पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। मैं यही कहूंगा कि बांग्लादेश अलग हुआ है हमसे, नहीं सीखा, बलूचिस्तान में क्या चला, हमारे GB में आजकल क्या चला। कम से कम मीडिया को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम की बात को सुने कि वो क्यों स्ट्राइक पे हैं। आपके यहाँ के मीडिया को भारत के बारे में बताने से फुर्सत मिले तब ना वो गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे, उनको पता है
ये नैरेटिव उनको सूट नहीं करता, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान एक दिन चला जाएगा हाथ से, बलूचिस्तान चला जाएगा हाथ से। वहाँ के लोग जो सफर कर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो झेल रहे हैं, इतनी ठंडी में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया, एक भी कवरेज, मीडिया कवरेज उनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये उनके सियासतदान और जनरल को सूट नहीं करता, ये प्रोपोगेंडा लगता है उन लोगों को। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जो जनरल बोलेगा वैसे वहाँ की मीडिया, वैसे वहाँ के सियासतदान काम करेंगे, यही होता रहेगा। वरना कोई भी सर्दी में स्ट्राइक पे नहीं आता भाई, क्यों नहीं? मुझे तो ये लगता है कि पिछले 75 सालों में वो वक्त कब नहीं आया कि जब हमें करना चाहिए था। अभी अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं जावेद चौधरी के या हामिद मीर ने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा है कि मोदी पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे थे अप्रैल में, आफ्टर द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वो मोदी पाकिस्तान आना चाह रहे थे, वो बलोचिस्तान में एक मंदिर का इफ्तिताह करना चाहते थे करतारपुर कॉरिडोर की तरह। यहाँ पे हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि यहाँ पे मोदी साहब आ गए तो उन्होंने पीछे से जो है कश्मीर के सौदे की बाजगश्त सुननी पड़ जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि हमने जो है ना वो कोई डील कर ली है। भाई डील की बात अलग थी, आपको एक दफा से उनके डील नहीं की, सब जानते हैं अगर कोई डील होती भी तो वो आवाम में बड़ी जल्दी मकबूल हो जाती। ठीक है, आप लोग एक चीज जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शरीफ नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तब सोचिए उनकी बेटी की शादी में इतना बड़ा रिस्क लेकर गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी सियासतदान होते हैं, यहाँ पे भी दूसरी पार्टियाँ होती हैं, वो कितना इस चीज़ का प्रोपोगेंडा बनाएंगी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, वो रिश्ते हमेशा बहाल करना चाहते थे, रिश्ते हमारे तरफ से हर बार ठीक करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी भी बस लेकर गए मैत्री संबंध के लिए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, कागिल कर दिया। हमारे मोदी जी गए उसके बाद आपने क्या किया, आप लोगों ने हर बार पीठ के पीछे चूरा भोंका है, हर बार धोखा दिया है। आप लोग किसी के सगे नहीं हो सकते, और भारत अभी अच्छे से समझ गया, इसीलिए भैया अब कोई दोस्ती नहीं होगी, अपना अपना काम कीजिए, आप लोग अपने देखिए, हम लोग अपना देखेंगे। आप लोग अपने सगे नहीं हो यार, आप लोग अपने देश के नहीं हो, दूसरे देश के लिए तो बात ही नहीं कर सकते। अगर मोदी साहब आ रहे थे पीस मिशन कीपिंग के लिए आ रहे थे, और इवन बाजवा साहब की नाराजगी ये थी इमरान खान साहब से कि आपने उनको नहीं आने दिया, ये मसला था, यानी कि वो चाह रहे हैं, मोदी साहब अपने जलसों में कह रहे हैं कि मैं किससे मुजाकरात करूं, आपकी ब्यूरोक्रेसी से करूं, आपकी जुडिशरी से करूं, आपकी आर्मी से करूं, आपकी गवर्नमेंट से करूं, आपकी तो गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है, क्यों मुजाकरात करूं मैं? ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था भाई, ये तो दूसरे देश के लोगों को भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे यहाँ देश चलाता कौन है, प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेसी चलाती है कि वहाँ की सेना चलाती है, जिसे आप लोग एस्टेब्लिशमेंट बोलते हो, पता नहीं कौन चला रहा है देश को, तो सबको कंफ्यूजन रहती है, इसलिए किससे बात करें, क्या बात करें, कहाँ क्या बात करें। आप लोग अपने ये हर चीज़ में देख सकते हो, आप लोग कोई स्टेटमेंट दोगे कुछ देर बाद वो पलट जाएगी, क्यों पलट जाएगी, क्योंकि आप यहाँ खुद ही किसी को कंफ्यूज है, सब लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि कौन आगे है, कौन देश को चला रहा है। सच बोलता हूँ, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आइए हम नई शुरुआत करें, ये बात हुई थी पाकिस्तान में, समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है, मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे, आर्मी से करोगे, ISI से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे, बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब वो अपनी जगह पर राइट है, या आई थिंक मतलब मुजाकरात बराबरी के होने चाहिए ना, मुजाकरात बराबरी के दो फ्रीकैन के दरमियान होने चाहिए, पाकिस्तान में फ्रीक है, पाकिस्तान का कोई फ्रीक नहीं है, पाकिस्तान की फ्रीक पाकिस्तानी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, क्या है, हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुजाकरात करे कौन, आर्मी करे, ब्यूरोक्रेसी करे, जुडिशरी करे, कौन करे? हमारे कायद ने मुल्क तो ले लिया, पर क्या लगता कि आपको कि हमसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, क्या वजूहत लगती है कि आपको, क्या हमें प्लानिंग नहीं करनी आती, क्या आपको क्या लगता है कि हमें वो जिस तरह से एक मुल्क चलता है, एक डेमोक्रेसी चलती है, वैसे नहीं चल रही इंडिया की, अगर आप देखेंगे तो एक डेमोक्रेसी चलती है, पता चलता है कि प्लानिंग है, आने वाले 20 सालों में कहाँ है, 10 सालों में कहाँ है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? अगर आप तारीख का मुताला करें तो आप ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन्ना साहब अपनी जो नजरियात थे उनमें वाजे नहीं थे, BBC को वो इंटरव्यू देते थे तो वो कहते थे कि हमारी रियासत में हिंदू मुस्लिम सब बराबर होंगे, दैट गोज फॉर द सेक्युलर स्टेट, जो कि उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में भी कहा कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है उसका रियासत से लेना देना नहीं है, मुसलमान मुल्ला से खिताब कर रहे हैं, आम आवाम से खिताब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा आयन कुरान है, हमारा आयन 1400 साल पहले तश्कील पा चुका है, वो अपनी नजरियात में बिल्कुल वाजे नहीं थे, उन्होंने एक दफा भी नहीं बताया कि हमारी रियासत सेकुलर होगी, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होगी, शरिया का कानून नाफिज होगा, क्या होगा। पहली चीज ये थी कि पॉलिसी मेकिंग खुद जिन्ना के पास नहीं थी, जिन्ना के बाद हमारे टॉप लीडरशिप के पास नहीं थी, तो मुस्लिम लीग के पास कहां से आनी थी, मुस्लिम लीग के पास नहीं थी, और उसके बाद एक बड़ा गैप था लीडरशिप का, वो नहीं फिल हो सका, जैसे ही
जिन्ना गए हमारे पास लीडरशिप थी नहीं, बिल्कुल भी लीडरशिप नहीं थी। और उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का बना क्या, हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स हैं उन्होंने उठा उठा के मारा इनके वज़ीरे आज़म को, वज़ीरे आज़म ऐसे तब्दील होते रहे हैं जैसे वो उन्होंने तंज भी किया था कि इतनी तो मैं साड़ियाँ तब्दील नहीं करती इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जितने इनके वज़ीरे आज़म तब्दील होते हैं। तो दूसरी तरफ ये कि उन्होंने 75 साल किसी भी उनकी तो आई थिंक एक से दो दफ़ा इमरजेंसी नाफिज हुई है पूरे हिंदुस्तान में, एक दफ़ा भी नहीं हुई एमरजेंसी नाफिज, मार्शल लॉ की सूरत में नहीं हुई, इस सूरत में हुई थी जब उनकी प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ था वो सिख राइट्स के बाद, एक दफा तब नाफिज हुई थी और एक दफा उन एतबार में मेरे ख्याल से हमारे यहाँ इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी थी और वो भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, बाकी छोटे मोटे स्टेट वाइज इमरजेंसी लगती रहती है, वो इस तरीके से नहीं होता जैसे मार्शल लॉ आपके यहाँ तो सीधे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, हमारे यहाँ कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा है और ना लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ प्योर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हर पंथ बराबर है, हर धर्म बराबर है, आप यहाँ की तरह नहीं, आप लोग तो वोट देने तक का अधिकार नहीं देते थे भाई, देते हो मुझे तो नहीं लगता कि देते भी हो अभी कुछ ना किसी, वो आप यहाँ कोई हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है कभी, आप इस बारे में बात करो कभी बन सकता है, कोई सिख बन सकता है, कोई ईसाई बन सकता है आपके यहाँ प्रधानमंत्री, नहीं बन सकता क्योंकि आप लोग एक इस्लामिक राष्ट्र में रहते हो, आप लोग रिपब्लिक नहीं हो, ये फालतू की बात है कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं होता, या तो इस्लामिक हो जाओगे या तो रिपब्लिक हो सकते हो, कोई भी इस्लामिक देश रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, अगर ऐसा होता तो आप लोग इस्लामिक राष्ट्र नहीं, अगर हम कहें कि हम लोग एक हिंदू डेमोक्रेटिक में रहते हैं तो वो या तो हिंदू होगा या तो डेमोक्रेटिक होगा, दोनों नहीं हो सकते, आया समझ में। दफा हुई है जब वो अमृतसर पे अटैक किया था इंडियन आर्मी ने, एक दो दफा उनके पास आई एम नॉट कंफर्म्ड तो, लेकिन ये मामला मुझे कंफर्म पता है कि एक दो दफ़ा ज़रूर हुई है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया है, हम लोग आज तक डेमोक्रेसी की तारीफ ही नहीं कर पाए कि व्हाट इज़ इस्लामिक डेमोक्रेसी, हमें बताया जाए ना कहाँ से लिटरेचर उठाया आपने, कहाँ से इंटेलेक्चुअल लिया इस्लामिक डेमोक्रेसी, वी डोंट नो, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया, इस्लामिक सिस्टम होना एक अलग चीज़ है जो कि एक अलग डिबेट है कि आदर इस्लाम इज़ अ सिस्टम और नॉट, और डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ है, इस्लाम के बेस पर बना हुआ देश क्या करेगा, एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा ना, आप लोग अलग ही, हम भारत से इसी नाम पर हुए थे, जिन्ना ने देश क्यों बनाया था पाकिस्तान कि सारे मुस्लिम वहाँ रहेंगे ना, तो डेमोक्रेटिक देश कैसे बन सकता है, बन ही नहीं सकता, वो इस्लामिक राष्ट्र रहेगा, और मुझे तो जहाँ तक लगता है आगे चल के वहाँ शरीयत भी लागू हो जाएगी जिस तरीके से TTP वहाँ काम कर रही है, तो आप लोग उसी तरीके से जियोगे जैसे अरब जीते थे, और जहाँ शरीयत कानून लगा वहाँ का बंटाधार हो रखा है तो पाकिस्तान का भी वैसे हो जाएगा, डेमोक्रेटिक होने के सपने तो आप ना ही देखो तो अच्छे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने यहाँ के माइनॉरिटीज़ के क्या हाल कर रखे हैं, कितने बुरे हाल कर रखे हैं, कभी जाके आप लोग उनसे मिलिए देखिए तब बात करिएगा, आप लोग भारत की बराबरी करोगे डेमोक्रेटिक में, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है, सपने में भी नहीं सोच सकते आप कि कितने सारे धर्म के लोग हमारे देश में बराबर भाईचारे के साथ रहते हैं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, हमारे यहाँ क्रिकेट टीम से लेके सियासतदान से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति तक लगभग हर पंथ का हर धर्म का आदमी बन चुका है, आप यहाँ एक भी गिनवा दो कि कोई जनरल बना हो, कोई प्रधानमंत्री बना हो, हिंदू का छोड़ो ईसाई बता दो, पेड़ को खत्म करते हैं, बताएं कि हल क्या है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं मुल्क को जो कि हालात खराब हुए, या डेमोक्रेसी की तरफ जाए या इस्लामी लॉ कायम कर दे, क्या करें जिसकी वजह से हम डेवलप हो सके, हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके भाई। देखिए मेरे पास तो कोई ऐसा कोई नुस्खा कीमिया नहीं है कि मैं आपको दूं और पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, एक ऐसा नुस्खा कोई है ही नहीं, मल्टीपल चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें लिटरेसी पर काम करना पड़ेगा, हमें अपनी इकोनॉमी, मैं पहले बात कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर इस्लामी लॉ होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करे, क्या होना चाहिए, सेकुलर डेमोक्रेसी, तो फिर हम ला क्यों नहीं, बिकॉज हमें जो है वो एक तरह से अफ्यून का नशा दे दिया गया है कि जो आपका जो निज़ाम है इस्लामी निज़ाम है ये इस तरह से है ये उस तरह से है, और जो है ना ये एक जन्नत का वाहिद रास्ता है, 1400 साल पहले का निज़ाम है, 1400 साल का पहला निज़ाम ऐसा नहीं था, आपने उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की है, और फिर पब्लिक लेवल पे अवामी सतह पे आप बिल्कुल भी नहीं समझा पाए हैं कि व्हाट आर वी मेंट बाय द इस्लामिक डेमोक्रेसी, आप इसको नहीं डिफाइन कर सकते, इस्लामिक डेमोक्रेसी आप देखेंगे तो सऊदीया में है, मिडिल ईस्ट में टोटली में है, तो आप देखेंगे देखते नहीं, आप मेरे सीनियर हैं, सऊदीया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आप ये गलती, इस्लामिक रूल चलते हैं ना, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो किंची, नहीं नहीं सॉरी मिस्टेक होगी, डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक रूल्स वहाँ पर है तो देखे ना वो कंट्री भी डेवलप है, देखे मसला कवानीन के अलावा उनकी तश्कील पाने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी है, वैसे तो जदीद दौर के अंदर ये तो सऊदियों को भी सोचना चाहिए, अरब स्प्रिंग आखिर एक चीज़ का नाम था, उन लोगों को भी उठना चाहिए कि ये कौन बादशाह लोग मुसलत हैं, सऊदी अरब एक खानदान के नाम पे एक शख्स के नाम पे एक आपने मुल्क बना दिया, वो एक खानदान एक पूरे मुल्क को चला रहा है, दिस इज स्टूपिड, वी आर लिविंग इन 21st century, हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, आदर इट इज़ इन पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया, वी नीड टू कम बैक टू डेमोक्रेसी, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, गाइस आपने देखा पाकिस्तान की यूथ इस तरह की भी है, आपको टोटली उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह की आप लोग सोचते हैं, तो कैसा लगा इनका खताब बात करने का अंदाज और तरीके का आप बताइएगा कमेंट करके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, नाइस टू टॉक विद यू।
तो भाई वीडियो खत्म हो गई। ये जो लास्ट वाले भाई साहब थे इन्होंने काफी हद तक चीजें सही बोली हैं, लेकिन ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत कम हैं। इतने लिटरेट और ठीक ठाक जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर को समझते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कम हैं। इसलिए आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये विरले लोग हैं जो जानते हैं कि विश्व पटल पर भारत और पाकिस्तान की छवि में क्या अंतर है। और बात जहां तक रही सारे इस्लामिक राष्ट्र की, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सबकी प्रॉब्लम यही है, मेंटल प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये एक इस्लामिक राष्ट्र है। इनको आज तक यही नहीं समझ में आया कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस्लाम का प्रॉब्लम यही है, क्योंकि वो अपने आपको समझता है कि हम ही सर्वोपरि हैं और है कुछ नहीं। प्रॉब्लम तो यही है, जिस दिन वो सबको बराबर लेकर चलेंगे उस दिन तरक्की होगी, और वो दिन आएगा नहीं। इसलिए पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम बनी रहने वाली है, और लंबे समय तक पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर चल भी नहीं पाएगा, वो डिफॉल्ट कर जाएगा और करने ही वाला है। अब तो वेन का क्वेश्चन आता है कि कब, क्योंकि हाउ तो हो चुका है कि कैसे होगा ये सबको पता चल गया है। चलिए तो वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और सब्सक्राइब कर देना यार।